आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का वॉइस चैप्टर से एक्सरसाइज 59 को कवर करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एक्सरसाइज 59 बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है, सबसे पहले उसको जानेंगे, फिर एक्सरसाइज 59 को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, हमको याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, ये सब याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिना याद के भी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर 59 का आंसर करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हमको क्या मतलब है, सिंपल फ्यूचर रहे क्या फ्यूचर कंटिन्यूस रहे, हमको देखना है कि सेल आया है, विल आया है, विल है, सेल है, विल है, सेल है, ये सब फ्यूचर में ही होता है, सिंपल है। सेल या विल के साथ कुछ लगा हुआ है, बी भी लगा हुआ है, नहीं बीन लगा हुआ है, नहीं हैव लगा हुआ, कुछ नहीं, सीधा सा सेल या विल, तो सिंपल है, हमको सिंपल उम्पल से कोनो मतलब रखना नहीं है। सेल विल आएगा तो इसका जब पैसिव करेंगे ना सर, तो बी जोड़ देना है, विल बी, सेल बी, विल बी, सेल बी, बी जोड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूल ये सब याद नहीं करना है, बिना याद किए बनाइए तभी सीखिएगा। क्या लिखा हुआ है, आई सेल हेल्प यू, सेल ना है तो सेल, सेल उधर जाकर जो भी होगा विल भी होना होगा तो विल भी हो जाएगा, इसके अनुसार यू है तो यू के साथ विल भी लग गया, वो तो बात की बात है। हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल है तो आपको सेल भी, बी जोड़ना है, विल है तो विल भी, ठीक है, और यहाँ अगर यू के साथ विल भी हो गया है तो वो बात की बात है, आई है तो आई के साथ सेल भी हो जाएगा, इट के साथ विल भी ही रहेगा, ठीक है। सेल या विल आएगा तो बस लास्ट में बी ई जोड़ना है, उम्मीद करें कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपका सिंपल फ्यूचर बोलिए, या सेल के सेल या वी लगेगा तो वी लगाएंगे सर लास्ट में, खत्म हो गया आपका। ये आगे देखे तो और एक चीज में नोटिस करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या नोटिस करेंगे, यहाँ सेल अकेले नहीं है, सेल के साथ बी भी है, विल के साथ भी बी है, यही हो गया भाई फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है, लगातार बढ़ते जा रहा है, आई एन जी भी लगा हुआ रहेगा इसमें, इसी को बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो हम क्या करें, इसका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो बताइए, याद कर लें कि सेल या वी लाएगा तो बी लगाइएगा, बी लगाइएगा, बी थ्री लगाएगा, कोई फ़ायदा है, याद रख पाइएगा, नहीं याद नहीं करना है, बिना याद किए बनाने की कोशिश करेंगे। सेल भी पीछे ही बनाए हैं कि आई एन जी आता है तो बिंग लगाते हैं, पीछे बनाए हैं, सेल के साथ बी है, बिल के साथ बी है, तो बी से कोई मतलब नहीं है, आई एन जी दिखेगा बिंग लगाएंगे, ठीक, सेल भी है जो लिखल है लिख देना है, यहाँ दिस है तो दिस के साथ विल भी लगा तो विल भी लग गया, यहाँ क्या वी है तो वी के साथ क्या लगा, सेल भी, तो सेल भी लग गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ सेल भी है ना सर, सेल के साथ बी लगा हुआ है, आपका भी जब वी लाएगा तो उसके साथ बी लगाइएगा, सेल आएगा तो बी लगाइएगा, लेकिन यहाँ आई एन जी है तो इसमें आपको बिंग जोड़ना पड़ेगा, जैसे बेसिक से करते आ रहे हैं कि आई एन जी है तो बिंग लगाते हैं, उम्मीद करें समझ में आ गया। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैसिव फॉर्म का प्रयोग अनकॉमन है, फिर भी अगर करना हो तो ऊपर बताए गए तरीके से करें, इसका मतलब है बाय नहीं लगेगा इसमें, फिर भी आपका मन है तो लगा सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये कोई रूल है नहीं कि बाय नहीं लगेगा, ठीक है, मन है लगाइए, नहीं मन है नहीं लगाइए, आपके ऊपर है, अभी बताएंगे किसमें बाय लगता है किसमें नहीं लगता है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से समझिए और सुनिए। अगला देखिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हमको कोनो टेंस रहे का मतलब है, हमको टेंस फेंस नीचे देखना है सेंटेंस। सबसे पहले देखे सेल विल अकेले था, फिर देखे सेल के साथ भी, विल के साथ भी, अब क्या देख रहे हैं, सेल के साथ हैव, विल के साथ हैव, विल के साथ हैव, विल के साथ हैव, मतलब सेल और विल आए तो हैव लग गया लास्ट में, तो हम भी कुछ चेंज करेंगे, सेल या विल आएगा ना तो हमको हैव के साथ बिन लगा देना, बाकी कुछ नहीं करना है, सेल बिल आएगा ना तो बिन लगा हुआ ही है, हमको बिन लगाना है, मतलब सेल के साथ है, विल के साथ है ना सर, विल के साथ है, यहाँ देखिए विल के साथ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेल आएगा आपका तो सेल है, विल आएगा तो विल है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा एक्स्ट्रा चीज, बिन, सेल है तो सेल है बिन, विल है तो विल है बिन, ठीक है, जैसे क्या लगा द वर्क विल, विल के साथ है हम अलग से बिन लगा दिए, यहाँ क्या लगा द वर्क के साथ विल अलग विल है तो क्या लगा दिए बिन लगा दिए, वी सेल है अलग से क्या लगा दिए बिन लगा दिए, याद रहेगा ना, इसी को अपना मन है तो याद कर लीजिए, हमारा कर लीजिएगा फ्यूचर क्या बोलेगा परफेक्ट टेंस, क्या कर लीजिएगा याद करके, याद उद नहीं करना भाई, याद मत कीजिए, यहाँ समझिए
पहला सीधा से दिया है सेल विल, तो बी लगाए, ये सिंपल हो गया। अगला क्या बोला, सेल के साथ बी लगले दिया और आई एन जी है तो कंटिन्यूस हो गया, तो इसमें आई एन जी है तो क्या लगाएंगे, बींग, वहाँ के कुछ होने के। तीसरा क्या है, फ्यूचर में सेल के साथ हैव है तो हम सेल हैव बीन, विल के साथ हैव है तो विल हैव बीन लेंगे। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट इतना लंबा चौड़ा नाम है। चलो भाई देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, सेल हैव बीन तो लगले था, अभी एक्टिव में दे दिया सेल हैव बीन, तब क्या कीजिएगा, तो सेल हैव बीन ना देखिएगा तो आई एन जी लगा हुआ है, आई एन जी लगा ले तो बच्चे से बनाते आ रहे हैं बीन लगा देंगे, क्या यहाँ सेल हैव बीन के साथ आई एन जी है कि नहीं है, तो आई एन जी आए तो बींग, बस इसी को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें वही बोल रहा है अनकॉमन है, बाय लगाना है लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए। आगे देखिए मोडल्स, मोडल्स को भी थोड़ा समझाते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अब यहाँ क्या नोटिस किए कि आई और वी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना उसमें बाय का यूज नहीं किया गया, ध्यान दीजिए तो, सॉरी आई वी ने माफ़ कीजिएगा, वी और दे जहाँ जहाँ लिखा हुआ होगा, देखिए तो ये वी है यहाँ लिखा हुआ, बाय देम का यूज किया है क्या, नहीं। फिर सेकेंड में क्या लिखा, वी, वी यहाँ भी लिखा हुआ है, बाय देम का यूज किया है क्या, नहीं, इसमें भी नहीं किया, इसमें भी नहीं किया। नीचे देखिए तो दे, बाय देम का यूज किया है, नहीं किया है। हम इससे क्या निष्कर्ष निकला कि वी और दे आएगा तो हम बाय का यूज नहीं करेंगे, ठीक। आपका मर्जी ये कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं किया गया है तो आप इस हिसाब से चलिएगा तो नहीं भी कर सकते हैं। आगे देखिए तो कहीं भी देख लीजिए आप, यहाँ दे है, बाय का यूज किया है, नहीं, कहीं भी देख लीजिए, दे है, बाय का यूज किया है क्या, नहीं। यहाँ भी दे है सर, यहाँ भी बाय का यूज नहीं किया है, किया है, पहला नोटिस होगी। कुछ भी मोडास में भी देख लीजिएगा, अभी बताएंगे, यहाँ भी बाय का यूज नहीं करेगा, दे और वी में बाय का यूज नहीं करते हैं, पहला खत्म हो गया आपका सवाल, काहे नहीं करते हैं भाई बाय का यूज। चलिए आगे देखिए, अगर आपको समय दिया हुआ रहेगा तो तब बाय का यूज नहीं करेंगे, जैसे यहाँ क्या दे दिया, देखिए टुमोरो, समय न है, बाय का यूज नहीं, ठीक। क्या दे दिया है, जून, समय न है, बाय का यूज नहीं, दूसरा से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए तो समय है बाय जून 2020, बाय का यूज नहीं करेगा। आगे देखिए इसका समय दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर, बाय का यूज नहीं किया हुआ है, किया हुआ बिल्कुल नहीं। नीचे देखिए तो फाइव ईयर्स, बाय का यूज किया है, नहीं किया है। हम ये समझते हैं कि जब समय दिया हुआ रहेगा, आज कल परसों या 20 तारीख फलाना तारीख मंथ, समय दिया हुआ रहेगा तो बाय का यूज नहीं करते हैं, वी और दे आएगा तो ऐसे ही बाय का यूज नहीं करते हैं। आप चाहे तो कर सकते हैं, काहे कि सब अनकॉमन होता है, आपकी मर्जी पे है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कहीं कहीं बाय देम लगा दिया गया होगा, हो सकता है। देखिए यहाँ हम क्या बोले, वी और देम में नहीं लगाते हैं, ठीक है, दे लिखा हुआ क्या लिख दिया ब्रैकेट में, देम लगा सकते हैं, अनकॉमन है, आपके मर्जी के ऊपर है, लेकिन हम आपको यही राय देंगे कि जब समय आएगा ना तभी वाने लगाइएगा। जैसे यहाँ देखिए, समय आया तो बाने लगाया, समय अगर बाने लगाइएगा, बाकी कुछ भी आएगा तो बाय लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम दोनों तरीका से बना देंगे, नहीं समझ में आएगा कहीं भी वी है, देखिए नहीं लगाया होगा बाय, नहीं लगाया, ठीक। हाँ ये देख लेते हैं मॉडल वर्ब्स पैसिव फॉर्म, वर्ब में कैसे करते हैं, मॉडल वर्ब में क्या है, मॉडल वर्ब विल है, विल बी, कैन है, कुछ मॉडल वर्ब आएगा भैया बी लगा दीजिएगा, बी थ्री लिख दीजिएगा। अगर आप 60 59 बना रहे हैं और अगर आपको ई पता नहीं कि लास्ट में भीतरी लगता है तो आप 51 से बनाइए, तो कोई सवाल ही नहीं कीजिएगा सर भीतरी तो बतेवे नहीं करते हैं, बाय बतेवे नहीं करते हैं, भैया हम लोग एक्सरसाइज 59 में आ गए, इसमें बाय बताएंगे तो आगे बाय के बाद भीतरी लगता है, ये सब नहीं बताएंगे, 51 से पढ़िए तो शुरू से। यहाँ देखिए सीधा समझिए इसको, इसमें क्या लिखा हुआ था, हम क्या बोले मॉडल्स आएगा बी ई, कैन है देखिए तो कैन भी लगा हुआ होगा, कुड है देखिए तो कुड भी लगा हुआ होगा, मस्ट है देखिए तो मस्ट भी लगा हुआ है, मतलब मॉडल्स जो भी आएगा बस बी लगा के भीतरी, कुछ नहीं। देखिए तो कुड है, कुड भी लगा हुआ, कुछ भी देखिए ना, सेल है, विल भी लगा हुआ, सेल भी थोड़ी लग जाएगा भाई, लास्ट में क्या सीन है तो इसी के साथ विल भी होगा। आगे चेंज होगा कैसे होता है बताते हैं, देखिए मस्ट है क्या होगा, हाँ मस्ट बी होगा, हो गया, विल है तो विल भी होगा, कैन नॉट है कैन नॉट बी होगा, मॉडल में बी ई का यूज करते हैं। अब है पैसिव ऑफ मॉडल एक्सिलरी प्लस है प्लस भीतरी, बाबा रे बाबा, कुछ ही लिख दिया है, तो इतना याद नहीं करना है आपको, आप सीधा क्या समझे,
अगर मॉडल है तो बी लगा हुआ है लगल। अगर आपको मॉडल्स में हैव लगा हुआ है तो बस आपको बीन जोड़ना है। अगर आपके मॉडल में हैव लगा हुआ है तो कुछ ही जोड़िएगा आप, बीन जोड़ेंगे। हमारे मॉडल में हैव नहीं लगा हुआ है तो हम बीन नहीं जोड़ेंगे। हमारे मॉडल में हैव लगा हुआ है तो बीन जोड़ेंगे। इसमें देखिए कुड है तो कुड के साथ यहाँ जोड़ दिया हैव, तो कुड के साथ हैव है तो हम भी क्या लगा दें, बीन। ई एल वाई लगल है, एडजेक्टिव है, बताए हैं वीडियो में 58M में कि एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ में होता है। कहाँ होता है एडजेक्टिव का यूज, मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर भी भाई किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए इसी का एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हम लोग अब एक्सरसाइज बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, कॉपी एडजस्ट कर लें। एक्सरसाइज 59 है, आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए वीडियो वीडियो कैसा लगता है, तभी ना भैया वीडियो बनाने में थोड़ी मन लगेगा हम लोग को भी। चलिए आइए तो 59 शुरू करते हैं। क्या है 59? आई सेल हेल्प यू, क्या है ऑब्जेक्ट, यू है सर, तो लिखिएगा यू। अब यू के साथ सेल नहीं लगा देंगे, सेल किसके साथ लगता है, बच्चे में पढ़ते आए होंगे, आई और वी रहेगा तो सेल माँ के सबके साथ भी, तो यू के साथ क्या लगा दिए भी। तुरंत बताएं कि सेल वी लाए तो तुरंत वी लगा दीजिए, और भर्व का भी थ्री, आई सेल बी हेल्प्ड, बाय लगा के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बन गया खत्म। नीचे सेकेंड नंबर, यू विल टीच हर न है सी, सी के साथ तो विल ही लगता है, सी विल, हम बताएं सेल आ विल आ बी लगाइएगा, सेल वी टीच का भी थ्री, टाउट बाय यू। अरे भैया नहीं मत बाबू यार, नहीं करना है, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस है, कहाँ मतलब हमको कोई और टेंस। आइए यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, हमको विल है तो चुनना है विल सेल, इट के साथ तो हमेशा विल ही होता है, इट विल बी, फॉरगेट का भी थ्री, फॉरगॉटन एफ ओ आर जी ओ टी टी, स्पेलिंग देख लीजिएगा हो सकता है कभी कोई गलती हो जाता है, फॉरगॉटन। ठीक है, बाय देम, बाय देम। अब यहाँ क्या बोले, वी और दे का यूज नहीं किया था, वी और दे आया था बाय में यूज नहीं किया था, हम यहाँ बाय में यूज कर दिए, क्या कि अनकॉमन है, आपका मर्जी है कीजिए, आपका मर्जी नहीं है तो नहीं कीजिए, लीजिए हम भी ब्रैकेट दे दिए, मन है तो कीजिए, नहीं मन है नहीं कीजिए। लेकिन हम एक राय भी दिए थे कि जब समय रहेगा ना तब बाय का यूज नहीं कीजिएगा, लेकिन जब समय नहीं रहेगा तब कीजिएगा। अगर यहाँ लिखा हुआ रहता दे विल बी फॉरगेटेन इन जून, तब यहाँ लिखते दे विल बी फॉरगेटेन इन जून, तब बाय देम नहीं लिखते, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, उतना सुनिए कंफ्यूज मत होइए। आई वी रहेगा, सॉरी दे और वी रहेगा ना, तो बाय का यूज नहीं करना आपके बुक के हिसाब से, ठीक, और टाइम दिया और रहेगा तब भी बाय का यूज नहीं करना है, तो जब टाइम दिया और रहेगा तो बाय का यूज मत कीजिएगा, लेकिन जब दे और वी रहेगा तो बाय का यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि अनकॉमन है, आपके बुक में लिखा हुआ है, आपकी मर्जी पे। चलिए चार नंबर देख लेते, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ लिख दिए, द थीफ विल है तो आई वी आई और वी आएगा तब ना सेल लगेगा, बाकी समय तो विल ही चलेगा, द विल बी अरेस्ट का भी थ्री, अरेस्टेड बाय द पुलिस, नहीं पुलिस का तो काम है चोर पुलिस, चोर पुलिस का। चलो चार नंबर तक तो दिख गया होगा आप लोग को, अब यहाँ से आते हैं पांच नंबर से दिख रहा है, बोर्ड पे बताएंगे जल्दी बताने लगेंगे, थोड़ा बढ़ जाएगा ना सब्सक्राइबर तो, और जब जब एक दो को में क्या ऑनलाइन पढ़ाएंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना तब बताएंगे। चलिए, इट सेल है तो विल हो जाएगा, इट विल बी, डू का भीतरी क्या होता है डन, आई का क्या हो जाएगा सर बाय मी, चलिए ही हिम ना है, हिम का क्या हो जाएगा ही, अब सेल लगा देंगे ही के साथ, जी नहीं आई वी आएगा तब ना सेल, बाकी सबके साथ तो विल लगाते हैं, He will be welcome का भीतरी क्या होगा welcomed by, we है us, आपका मर्जी है कीजिए भैया, नहीं मर्जी है नहीं कीजिए। चलिए लास्ट में क्या है him, तो he हो गया, will है he के साथ भी ऐसे will ही होता है, be remember का भीतरी r e m e m b e r e d remembered by the people नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 58, कुल को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए 58 में आते हैं, वी सेल हियर हिज वॉइस नो मोर,
अब आप बताइए, सेले विला रहा है क्या मतलब हमको? हिज वॉइस है, हम इसको सब्जेक्ट में क्या ले सकते हैं? हिज वॉइस नहीं ले सकते हैं, हिज को ही मत की जगह ही वॉइस होगा, तो हिज वॉइस कॉमन सेंस है। हिज वॉइस सेल है तो यहाँ हिज वॉइस के साथ विल हो, का है तो आई आता, आई अभी रहता तो सेल। हिज वॉइस विल बी हियर का भी थ्री एच ई ए आर डी हियर नो मोर बाय द अस नहीं लगाते हैं। चलिए एक्स्ट्रा नो मोर दे दिया, आगे देखें नोबडी विल प्ले द मैच विल बी, इसको देख के विल नहीं लगा रहे, द मैच के अनुसार विल लगाए हैं। द मैच विल बी प्ले का भी थ्री प्लेड, द मैच विल बी प्लेड बाय द नोबडी नहीं, नो वन नो बडी नहीं लगाते हैं, इसे पहले बता चुके हैं इसलिए दोबारा हम बताना नहीं चाहते हैं। सुन लीजिए फिर भी, पीपुल का यूज नहीं करते हैं, जो अपने काम से जुड़ा हुआ है उसका यूज नहीं करते, नो वन नो बडी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए वी सब 51 में बताया है इसीलिए बाबू रिप्रेस नहीं कर रहे हैं, मतलब 51 में बताए हैं फिर बताएंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाता है इसीलिए थोड़ा सा देखिए। तो वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो, द मैटर ध्यान से सुनिएगा, 10 नंबर, 10 नंबर से बाय वाला कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। द मैटर विल बी डिस्कस का भीतरी क्या होगा, डिस्कस्ड टुमारो, आप बोलिए तो बाय का यूज काहे नहीं किए, हम क्या बोले जब समय दिया हुआ रहेगा तब बाय का यूज नहीं कीजिएगा, टुमारो दिया हुआ ना भाई समय कल का, तो हम बाय का यूज काहे लिए करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए 11 नंबर, Somebody will beat you one day. समय दे दिया है, बात है कुछ करेंगे, यू है लिखे यू, विल है तो विल, यू के साथ विल लगाता है तो हम क्या लगाएंगे, बी, बीट का भी थ्री, बीटन कब है, वन डे, वन डे खत्म हो गया। 12 नंबर देखिए, वी सेल बाय द बुक्स टुमारो, फिर समय आ गया, फिर बाय यूज कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, द बुक्स will be bought, the books will be bought by us, जी नहीं समय है tomorrow। चलिए स्क्रीनशॉट भी ना आप लोग लीजिएगा, चलो ठीक है चलिए आइए। 13 वीडियो अभी ये हो गया 17 मिनट का, अपलोड करने में इतना परेशानी होता है ना, इसीलिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट में रखते हैं, और कोई बात नहीं। देखिए तो आप मोडल्स आ गया, क्या बोले मॉडल आएगा, कैन है तो कैन बी, विल है विल बी, सेल है सेल बी, कुड है कुड बी, ठीक है तो इट है तो इट, कैन के कैन, और साथ में क्या बी, अभी का भी डू का भी थ्री, देन इट कैन बी डन बाय यू, ये बुतरू वाला चीज है। आगे देखे तो इट इट कैन कैन बी बी, ब्रेक का भी थ्री, ब्रोकन इट कैन बी ब्रोकन बाय एवरी वन, मन है भैया लगा दीजिए आपका, एनी वन एनी बडी बोले थे, क्या है एवरी वन, ई वी ई आर वाई ओ एन ई, वन कैन सॉल्व इट, इट कैन मॉडल है बी लगाएंगे, सॉल्व एस ओ एल वी ई डी बाय वन, नहीं रे बाबू हो गया। आगे देखो तो ए चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट इट, इट है तो इट, कैन नॉट क्या लगाइएगा, बी, इट कैन नॉट बी, लिफ्ट का भी थ्री, लिफ्टेड, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय ए चाइल्ड। 17 नंबर देखिए तो क्या है, दिख रहा है 17, ठीक, ही कुड बीट हिम, हिम का क्या हो जाएगा सर, ही, कुड है तो लगा दिए कुड, बी नहीं लगा हुआ है तो लगाएंगे बी, ही कुड बी, बीट का भी थ्री, बीटेन बाय, ही का क्या हो जाएगा हिम, यू का तो यू लिख दीजिए, कुड है तो कुड लगाइए, मॉडर्न में बी लगाते हैं बी लगा दिए, हेल्प का भी थ्री, हेल्प्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा मी, यू मे विन द रेस, ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, द रेस लिखेगा, द रेस मे है, ये सब मॉडल है, मॉडल 16 वीडियो अपलोड है, द रेस मे, अब मॉडल है तो बी लगाते हैं, विन का भी थ्री,
वन किसके खिलाफ है, बाय यू, किसके द्वारा, तो बाय यू। चलो ये तो 20 नंबर क्या है, ही माइट सॉल्व इट, इट लिख दीजिएगा क्या, माइट का माइट लिखेंगे बिल्कुल, मॉडल है क्या लगाएंगे बी, सॉल्व का भीतर क्या होता है सर, सॉल्व बाय ही का क्या हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा सर, बताएंगे फिर से। हम चाह रहे हैं कि सब पढ़े, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फी दे के नहीं पढ़ सकते हैं ग्रामर, ससरा मास्टर सब इतना फी लेता है, पढ़ाता है लोल ऐसा। देखिए, दे मे डिफीट अस, अस का क्या हो जाएगा, वी, मे है तो मे लिखेंगे, इसमें क्या लगाइएगा बी, वी मे वी डिफीट का बी थ्री, डिफीटेड बाय देम, बाय देम अपने मर्जी पे है, मन है लगाइए नहीं मन नहीं लगाइए, दोनों सही होगा, आपके ऑप्शन के अनुसार टिक लगाइएगा एग्जाम में। आवर टीम मे विन द मैच, द मैच मे है तो लिखिए मे, मॉडल बी नहीं लगाइएगा, और विन का वॉन, द मैच मे बी वॉन बाय आवर टीम। आगे देखिए, तो यू मस्ट हेल्प द पुअर, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, मस्ट का भी थ्री लगाना है, अरे भी थ्री कुछ ही लगाएगा मोडाल में, द पुअर मस्ट बी, हेल्प का भी थ्री, हेल्प्ड बाय यू। आगे देखिए, तो यू मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर, प्लग द फ्लावर, यू मस्ट नॉट प्लग फ्लावर, अच्छा प्लग फ्लावर, फ्लावर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दा दा फ्लावर होता, फ्लावर्स मस्ट, फ्लावर्स मस्ट, अच्छा नॉट है ना, माफ कीजिएगा नॉट नहीं देखे, नॉट हमेशा तीन नंबर में आता है, ठीक है याद रखिएगा, फ्लावर मस्ट नॉट बी, प्लग का भी थ्री, पी एल यू सी के डी प्लग्ड बाय यू। देखिए तो 25 नंबर, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, ए रिप्लाई मस्ट बी, सेंड का सेंड ना हो जाएगा बाय यू, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, ये कौन बोल रहा होगा, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई किसको बोल रहा होगा, ये नहीं तो जो प्रेमी युगल वाला मामला लग रहा है। आई है तो 26 नंबर, यू शुड हेल्प हर, हर है तो सी, शुड बी, हेल्प का भी थ्री, हेल्प्ड बाय यू, बुझाया। आइए 7 नंबर, अभी तक तो सिंपल ही आ रहा है ना, आ रहा है, सेल आया तो सेल भी, मोडाल आया तो मोडाल में भी लगा दिए, यू शुड टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज दिख रहा है ना, एक्सरसाइज सुर है तो सुड हो जाएगा, टेक का भी थ्री, टेकन, एक्सरसाइज शुड बी टेकन बाय यू। ठीक है, आगे देखिए, तो टूक भी टू होता है, दे शुड फिनिश द वर्क, ऑब्जेक्ट क्या होगा, द वर्क लिखे तो, द वर्क शुड है तो शुड लिखेंगे, बी हो जाएगा, फिनिश का भी थ्री, फिनिश्ड बाय देम, बाय देम लगाएंगे नहीं लगाएंगे आपकी मर्जी पे है, समय रहेगा नहीं लगाइएगा, बाकी सब लगाइएगा। देखिए, इट आई शुड डू इट, इट शुड बी डन बाय, आगे देखिए तो क्या है, वी शुड नॉट चीट आवर फ्रेंड, ऑब्जेक्ट क्या है, आवर फ्रेंड लिखिए, आवर फ्रेंड्स शुड नॉट बी चीटेड बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस, आगे देखिए तो, वी शुड फाइंड इट, इट शुड क्या हो जाएगा, बी फाइंड, इट शुड बी फाइंडेड, फाउंड हो जाएगा ना, फाउंड ना हो जाएगा, इट शुड बी फाउंड
बाय वी थ्री लगेगा आगे देखिए 32 नंबर सी शुड बाय ए कार, ए कार कुड है ना, ए कार कुड बी बाय का क्या हो जाएगा अबाउट, ए कार कुड बी अबाउट बाय सी का क्या हो जाएगा हर, इट का इट लिख देंगे, वुड हेड क्या लगेगा वुड बी, इट वुड बी डू का भी क्या हो जाएगा डन बाय ई का क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, अरे नहीं दिखा, इट वुड बी डन बाय हिम, आई रो 34 क्या है टोटल बहुत है हमको लग रहा है इसमें से 34 के टोटल हो गया आपका इसमें, अरे बाबा 53 है तो बहुत है, आई वुड हेल्प यू क्या हो जाएगा यू मॉडल है बी लगाइएगा, यू वुड बी हेल्प्ड बाय मी हो जाएगा, इसमें क्या है द वर्क द वर्क, हाँ अब यहाँ से चेंज हो गया, अब सिंपल ना है सेल रहता है सेल भी लगा दे, सेल के साथ है फिर क्या बता देते सेल के साथ है वे तो बीन लगाइएगा है कि ना, द वर्क सेल हैव बीन लगाए, अब लिखिए डन बाय आई का तो क्या हो जाएगा मी, द वर्क सेल हैव बीन डन बाय मी, अगला दे विल हैव बाउट ए कार, ए कार हो जाएगा ए कार, विल है तो विल हैव है तो हैव, हमको कुछ चेंज नहीं करना बस अपने मन से बीन लगाना है, बीन बी ओ यू जी एस टी बाउट का भीतरी बाउट होता है बाय देम, बाय देम लगाना है लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए दोनों सही है, समय आएगा तो नहीं लगाइएगा हजार बार बोल दिए हैं। 37 दे विल हैव डिस्कस्ड द मैटर, द मैटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, द मैटर विल है तो विल, हमको कुछ चेंज नहीं करना है बस अपने मन से को बिन लुटकुन लगाना है इसके साथ, डिस्कस्ड का भीतरी क्या हो जाएगा डिस्कस्ड बाय द मैटर, द मैटर कुछ ही कुछ नहीं होता मैटर, द मैटर विल डिस्कस्ड बाय देम, बाय देम लगाई नहीं लगाइए कि आगे 38 क्या है दे विल हैव बिल्ट द रोड बाय मार्च क्या हो जाएगा, द रोड विल है तो विल हैव चेंज कर दे, अरे नहीं भाई भाई अपने अपमान से कल बीन लगाना, द रोड विल हैव बीन बिल्ड का भी बिल्ट ही होगा बिल्ड हो जाएगा बिल्ड लिख देगा बिल्ड बाय मार्च क्या हो जाएगा बाय मार्च, बाद में लगा क्या कि समय आ गया इसमें मार्च का आ गया समय, दे देन है सॉरी द चाइल्ड मस्ट हैव ईटन द स्वीट्स, तो द स्वीट्स हो जाएगा द स्वीट्स मस्ट हैव बीन, द स्वीट्स मस्ट हैव तो बीन लगा दिए, अब ईटन तो भीतरी पहले से है ईटन हो गया बाय द चाइल्ड, बाय द चाइल्ड यहाँ तो कोई दिक्कत है, अब यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा ना तो बिल्ड का भीतरी सर बिल्ड ही होता है बी यू आई एल टी ठीक है, बिल्ड का भीतरी बिल्ड टू तो बिल्ड भी टू हो जाएगा, आइए तो देखते हैं 40 नंबर क्या है, दे मस्ट हैव किल्ड द बर्ड तो हो जाएगा द बर्ड, अब मस्ट के साथ हैव लगाता है आप क्या कीजिएगा हैज लगा दीजिएगा, जो लगा हुआ है वही लगाता है अपने मन से बस बीन लगाते हैं, द वर्ड मस्ट हैव बीन किल्ड तो पहले से भीतर ही होगा कुछ चीज नहीं करना है, किल्ड बाय देम लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है नहीं लगाइए दोनों सही, ही कुड हैव डन दैट तो दैट हो जाएगा कुड हो जाएगा, हैव अपने मन से क्या लगाइएगा बीन, That could have been done by he का क्या हो जाएगा him हो जाएगा, You should have helped her, her है तो her लिखी, should है तो should लिखी, अपने मन से कुछ लगाना है जी सर been लगाएं, You should have been helped, H E L P E D
बाय यू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो फटाफट कमेंट कीजिएगा एकदम। चलिए, ही ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड हिज इल्डर्स, हो जाएगा हिज इल्डर्स, हिज इल्डर्स, ऑट टू हैव, हम भी लिखेंगे ऑट टू हैव, हम क्या लगाना अलग से, बीन रिस्पेक्टेड, RESPECTED बा, ही का क्या हो जाएगा, तो हीम हो जाएगा। आगे देखिए तो नहीं दिख रहा होगा क्या। चलिए 44 देखिए, ही शुड नॉट हैव निगलेक्टेड हिज वाइफ, तो हिज वाइफ हो जाएगा सब्जेक्ट, हिज वाइफ, शुड तो हम भी लगा देंगे शुड, नॉट तो हम भी लगाएंगे नॉट, हैव तो हम भी लगाएंगे हैव, अलग से क्या लगाएंगे, बीन, निगलेक्ट का भीतरी क्या हो जाएगा, निगलेक्टेड बाय ही का हिम। बुझा रहा है बात? आइए आगे की ओर बढ़े, आज इसको खत्म ही कर देना, पूरा खत्म करना, 31 मिनट का वीडियो पावर है। देखिए, द लिटिल चाइल्ड कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज, क्या हो जाएगा, ऑल दिस डैमेज, लिख दीजिएगा ऑल दिस डैमेज, ऑल दिस डैमेज, कुड है कुड, नॉट है नॉट, हैव, अपने मन से क्या लगाइएगा, बीन, ऑल दिस डैमेज could not have been done, भी थी तो पहले से है, done by the little child, by the little child। आइए तो देखते हैं 46, he might have seen a tiger, तो a tiger object हो तो subject हो जाएगा, a tiger, might have है तो have, क्या लगाइएगा, been, क्या लगा देंगे, बीन, ए टाइगर मस्ट हैव, अरे मच्छर काटा, ए टाइगर मस्ट हैव बीन सीन हो जाएगा, बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। देखिए 47 नंबर, ही शुड हैव रिटन ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर, शुड हैव बीन, रिटर्न का भीतरी भी रिटर्न ही हो जाएगा, ए लेटर शुड हैव बीन रिटर्न बाय, यह तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, वन कैन गेन नथिंग विदाउट इफोर्ट हो जाएगा, नथिंग कैन बी, नथिंग कैन बी गेन विदाउट विदाउट इफोर्ट। चलिए, आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, ये हो गया, पीछे किसको बोल रहा था रिप्लाई करने के लिए, अब वो रिप्लाई खत्म हो गया, वो हो गया ब्रेकअप वाला, पुराना याद ताजा हो रहा है, वो पहले लिखा है, हम उन दिनों को नहीं बुला सकते, खुशी का दिन तो बुला सक रहा है। देखो, दोज हैप्पी डेज बुला नहीं पा रहा है, देख रहे हैं, करे घरिया कर ले रहा है, दोज हैप्पी डेज सेल बी नेवर फॉरगॉटन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, बाय मी, दोज हैप्पी डेज शुड, सॉरी, सेल बी नेवर फॉरगॉटन बाय मी, ठीक, मत भूला, मर जाओ साला। 50 नंबर, वन आउट टू कीप वंस प्रॉमिस, इसका आंसर बोलिएगा, कोई कोई नहीं बोलने वाला है, वंस प्रॉमिसेस आउट टू, क्या लगाइएगा, बी, कीप का भीतरी, केप्ट, वंस प्रॉमिसेस आउट टू बी केप्ट बाय, ताय नहीं लगेगा बाबू इसमें, इसे नहीं, सॉरी, स्टेटेंट बोलते हैं। 51, स्टूडेंट्स शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर, बिल्कुल, विद्यार्थी को ग्रामर का रूल को फॉलो करना चाहिए, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको रट्टा नहीं मारना है, कुछ की जगह रट्टा करके कि फ्यूचर टेंस है, क्या मतलब है फ्यूचर टेंस है, तो
समझना है कि बन कैसे रहा है। इस सूड है तो सिंपल में आएगा, सिंपल में आएगा, मॉडल सिंपल में नहीं आएगा, मॉडल वाला आ जाएगा, और उसके साथ है वो लग जाएगा, मॉडल ज्वेलरी आ जाएगा। नहीं, याद करना होता है इसको। अब लोग से क्या बोले हम, यहाँ देखिए द रूल्स ऑफ ग्रामर, लिखे द रूल्स ऑफ ग्रामर, इतना अच्छा दिमाग है, दूसरा चीज में याद कीजिए तो बुझने वाला बात है। द रूल्स ऑफ ग्रामर शुड, और आप लोग किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा, तो हम देखेंगे उस चीज़ पे वीडियो बनाने का संभव वगैरह जरूर बनाएंगे। मतलब आपको किस और विषय पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैथ साइंस जीके जीएस किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए, द रूल्स ऑफ ग्रामर शुड बी फॉलो का भीतरी क्या हो जाएगा सर, फॉलोड बाय द, बाय द नहीं तो स्टूडेंट्स लगा दी, लिख भी सकते हो दा, कोई दिक्कत है, बाय द स्टूडेंट्स STUDENTS। ठीक, आइए तो देखते हैं 52 नंबर दिख रहा है, 52 ऊपर चला गया। माय फ्रेंड्स विल ब्लेम मी, मी है तो आई, अब विल है तो विल लगा दीजिएगा आई के साथ, सेल आई सेल बी, बी एल ए एम ए डी, आई सेल बी ब्लेम्ड By my friends. Next, the boy will do something remarkable. Something remark. M R E M A R K A B L. Remarkable will be done by the. यहाँ आपका एक्सरसाइज 59 समाप्त होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, इससे हमको मोटिवेट होते हैं कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई लोग सीख रहा है। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।